हेलो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है तो बच्चों सी एस आई आर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी आई है तो बच्चों इसमें यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए और यदि आप बी या एम इत्यादि आपने किया है तो प्रोजेक्ट एसोसिएट वन या टू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा कुछ अन्य ग्रेजुएशन जो नॉर्मल किए हुए हैं वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें अगर आप देखें फील्ड वर्कर की भी वैकेंसी इसमें आप देख लीजिए पूरा टेबल में दिखाऊंगा लेकिन अभी आपको मैं महत्वपूर्ण तिथियां बता देता हूं ये ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो प्रारंभ हुई थी वो पांच सितंबर थी और अंतिम तिथि इसकी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि वो ग्यारह सितंबर यानी कल साढ़े शाम को साढ़े बजे तक है तो उसके पहले पहले ही आपको अप्लाई कर देना है अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है एक गूगल फॉर्म है उस गूगल फॉर्म की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसमें पूरी जानकारी आप फिल अप कर दीजिए करने के बाद आपके मेल पर पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा उसके बाद उस फॉर्म को आप निकाल लीजिए उसमें फोटो चस्पा कर लीजिए और जिस दिन आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है उसमें डेट दी गई है बहुत सारी पोस्ट हैं तो सबकी डेट अलग अलग है तो वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है बताए गए स्थान पर आपको जाना पड़ेगा उस समय पर और जो भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं आप फोटो फोटो कॉपी है सब लेकर के और जो फॉर्म आप प्रिंटआउट निकालेंगे वो लेकर के वहां जाएंगे और वहां पर आपको इंटरव्यू में सम्मिलित होना है इंटरव्यू में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फिर वो प्रोजेक्ट के लिए रख लिया जाएगा तो ये जो वैकेंसी है इसकी जो अवधि है प्रोजेक्ट की या उसकी अवधि यह प्रोजेक्ट के पूरा होने तक के लिए है जैसे अगर आप देखें तो अलग अलग ये टेबल बड़ी महत्वपूर्ण है इस टेबल को मैं जो टेबल के पूरी की पूरी पीडीएफ को मैं जो पॉलिटेक्निक लिबरल लर्निंग का टेलीग्राम चैनल बना है उस पर मैं शेयर कर दूंगा तो तुरंत आप देख लीजिए क्योंकि एक एक बता पाना संभव नहीं है मैं एक आपको खाली बता देता हूँ ये आप देखिए क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर है इससे कोई दिक्कत नहीं है पद कोड यानी पोस्ट कोड इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी गूगल फॉर्म भरते समय ये ध्यान से देखिए

यानी 2025 मार्च तक चलना चाहिए लेकिन उसके पहले भी कंप्लीट हो सकता है तो ये तब तक के लिए ही आपको रखा जाएगा मासिक ए, उसकी <coughs> मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट के लिए पच्चीस हजार प्लस एच आर ए है प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकेंड के लिए जो पोस्ट है अट्ठाईस हज़ार प्लस एच आर ए है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए अट्ठारह हजार प्लस एच आर ए इसलिए अलग अलग पोस्ट वाइज इसका आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा अब इसमें अगर आप पहला देखें तो ये क्वालिज क्षेत्र एरिया मांग रहा है मैकेिकल से योग्यता क्या है, बी टेक या बी होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ये डिजायरेबल मतलब आपको क्या क्या आना चाहिए जो जिसको वो प्रेफर करेंगे यानी जिसको ये सब चीजें आती होंगी जैसे

रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट एसोसिएट टू के लिए जैसे एमएससी मांगा है एमटेक मांगा या फिर एमटेक होना चाहिए जूलॉजी वो कर सकते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट तो हम डिप्लोमा वालों का ढूंढ रहे हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट जैसे ये हमको मिल गया दस नंबर तो इसमें देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट पचास साल मैक्सिमम एज है इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में काम करना है, तो क्या होना चाहिए योग्यता अनिवार्य योग्यता क्या है डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं चौदह सितंबर इसमें आपकी इंटरव्यू की तिथि है बाकी आप सारे देख सकते हैं इसी तरह से नीचे हम पढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे प्रोजेक्ट असिस्टेंट हमको ढूंढना है डिप्लोमा के लिए कि कौन कौन से हैं तो वो हम आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बाकी के लिए आपके यदि कोई परिचित का है तो आप उसको बता सकते हैं ये आप देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट यहाँ से शुरू हो गया तो यहाँ देखिए डिप्लोमा सिविल होना चाहिए अलग अलग जैसे ये आपको काम ये कराया जाएगा उसके बाद प्रोजेक्ट असिस्टेंट की फिर से डिप्लोमा एक एक वैकेंसी है लेकिन अलग अलग जो आपके प्रोजेक्ट हैं उसके लिए है ये देखिए दूसरा यहाँ पर ये बयालीस नंबर पर भी है तैंतालीस नंबर पर है सब सिविल के लिए है ये आगे बढ़ते हैं फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट है चवालीस नंबर पर इसमें देखिए डिप्लोमा सिविल है पैंतालीस नंबर पर डिप्लोमा सिविल है ये सारी चीज़ें फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट है डिप्लोमा सिविल है सैंतालीस नंबर पर डिप्लोमा सिविल है ये अड़तालीस नंबर पर डिप्लोमा सिविल है उनचास नंबर में प्रोजेक्ट डिप्लोमा सिविल है ये सारा अच्छे से पढ़ लीजिए डेट देखिए अलग अलग हो सकती हैं सत्रह सितंबर को ये नीचे वाले दिए हैं सत्रह सितंबर को और जो डेट है आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए उसके बाद साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी इसमें ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम में होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में यदि आप ग्रेजुएशन कोई किए हो या आप हो तो आप कर सकते हैं फील्ड वर्कर की भी एक ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम में एडमिन में आपका रखा जाएगा अठारह हज़ार प्लस एच आर ए आपको दिया जाएगा डिप्लोमा के लिए भी जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट है उसमें आप देखिए अठारह बीस हज़ार प्लस एच आर ए है प्रोजेक्ट असिस्टेंट जो डिप्लोमा वालों के लिए है वो बीस हज़ार प्लस एच आर ए ये आप देखिए साफ साफ लिखा है एडमिन वाले में आप देखिए अठारह हज़ार प्लस एच आर हुआ है इसी तरीके से आप प्रोजेक्ट एसोसिएट की अन्य वैकेंसी भी देख सकते हैं पच्चीस हज़ार प्लस एच आर ए है और जो टू की है उसमें अट्ठाइस हज़ार अलग अलग पोस्ट वार है इसको आप अच्छे से देख सकते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड की अट्ठाइस हज़ार इसी तरीके से प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए आर्किटेक्चर की भी वैकेंसी है इसमें आप देख लीजिए ये देखिए इसी तरीके से अन्य मेडिकल की फील्ड में भी ये डिप्लोमा जिन्होंने किया है उसके लिए भी ये देखिए आर्किटेक्चर के लिए वैकेंसी है तो कोई आर्किटेक्चर का हो तो वो अप्लाई कर सकता है उन्नीस सितंबर इसकी इंटरव्यू की तिथि है तो ये बच्चों आपको क्या करना है मैंने बता दिया गूगल फॉर्म इसके बाद में आपको दिखाऊंगा भरना पूरा गूगल फॉर्म आप भर लीजिए अच्छे से उसका मेल पर आपको फॉर्म आ जाएगा प्रिंट आउट निकाल करके फोटो चिपका करके इंटरव्यू के दिन उसको लेकर के जाना है वहां जमा करना रहेगा और आपको साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे आपको लेकर के जाना है और फोटो कॉपी का सेट लेकर के जाना है और पासपोर्ट साइज फोटो ये सब लेकर के आपको निर्धारित तिथि पर सुबह नौ बजे ही आपको पहुंच जाना है आपका और बाकी जो शर्तें नियम है वो आपको लिखी हुई हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिए सारे प्रोफार्मा देख लीजिए और उसके बाद ही वहाँ पर इंटरव्यू में सम्मिलित होने के लिए जाइए तो इसको पीडीएफ को मैं शेयर कर रहा हूं डिप्लोमा पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं शेयर कर रहा हूं तो तुरंत आपको इसको देख लेना है और अच्छे से इसको थारोली पढ़ लेना है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैं सारे पॉइंट्स आपको बता दिया हूं डिस्कस कर दिया हूं आपको सारा जो मंथली स्टाइपेंट था वो भी बता दिया हूँ प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए जो डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है उसके लिए बीस प्लस एच है तो इसमें आप मैं जल्दी से आइए गूगल फॉर्म दिखा देता और उसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं ताकि आप उसको आसानी से भर सकें, अप्लाई कर सकें। तो शुभकामनाओं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूं थैंक यू वेरी मच आप सभी का दिन शुभ हो ये देखिए बच्चों जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरीके से गूगल फॉर्म खुल करके आ जाएगा ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टीजमेंट नंबर भी लिखा है यहाँ पर देखिए आप भरते जाइए अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए सेलेक्ट एन एरिया किस एरिया में आपका एडमिन में आर्किटेक्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री सिविल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जूलॉजी मैकेनिकल फिजिक्स जो भी आपसे संबंधित है उसको चूज कर लीजिए उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर टेबल में सब लिखा था मैंने बताया था प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए है कि प्रोजेक्ट एसोसिएट वन के लिए प्रोजेक्ट एसोसिएट टू के लिए साइंटिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फील्ड वर्कर के लिए है फील्ड वर्कर में ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी उससे ब्रांच से पोस्ट सही सही। सही सही। कैलेंडर आ जाएगा चूज कर लीजिए एज एज ऑन क्लोजिंग डे ऑफ एप्लीकेशन कल को मानते हुए कल ग्यारह सितंबर है उसको मानते हुए कैलकुलेट कर लीजिए उसके आधार पर लिख दीजिए एड्रेस फॉर कम्युनिकी

लेकर के आपको पहुंच जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फोटो कॉपी का सेट फोटो वगैरह सब लेकर के जाइएगा और वहां दीजिएगा तो ये आप मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि आपका सिलेक्शन हो उस फील्ड में आप काम करेंगे तो सीखने का मौका बहुत मिलेगा इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को ही समाप्त करता हूं थैंक यू वेरी मच आप सभी का दिन शुभ हो